राजस्थान की बोंडसी जेल चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें बदमाश धड़ल्ले से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से प्रबंधन की नाक के नीचे गैंग चलाने और वसूली का कारोबार चल रहा है, जिसमें पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद सैकड़ों मोबाइल फोन, बैटरी, सिम कार्ड के साथ साथ कई नशीले पदार्थ भी बरामद होते रहते हैं। अब एक बार फिर से पुलिस को कुछ मोबाइल मिले हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गंभीर मामले में जेल प्रबंधन से मीटिंग कर जैमर के अपग्रेड को अंजाम दिया जाएगा और बदमाशों पर नकेल कसी जाएगी। एक जो सर्च ऑपरेशन किया गया था उसमें 24 मोबाइल मिले थे और उसके पश्चात 12 मोबाइल एक बार मिले हैं और इक्का दुक्का मोबाइल जो है समय समय पर मिलते रहते हैं। ये जो जेल प्रशासन है इस पर काफ़ी सख्त है और उसी की सख्ताई के कारण, उन्हीं के सर्च के कारण ये मोबाइल्स मिलते रहते हैं। पीछे जो वहाँ पर नशीली जो पदार्थ हैं वो भी मिले हैं, उनको भी सीज किया है और जिस माध्यम से वो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जेल प्रशासन के जिन भी कर्मचारियों या जिनकी भी लापरवाही किसी भी स्टाफ की पाई गई है उनको भी गिरफ्तार किया जाता रहा है। ये बात अलग है कि वो चीजें वहां तक कैसे पहुंचती हैं और उनका क्या जरिया रहता है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।